so now uh, let's move on to spss and solve all the things that we have talked about. what are the assumptions of the simple linear regression where we have one independent variable and then the multiple regression where we have more than one independent variable. so starting with the simple linear regression, just kiandra hamare pass, a hamare independent variable, your ja predictor here, or kiandra a dependent variable. Hai. Uh, the variable we want to predict is called the dependent variable, and uh, the predictor is, of course, the independent variable. Uh, for simple linear regression, dependent variable should be measured in the continuous level. We have talked about that dependent variable humaycha, interval ratio scale, chahiye, continuous, hona chahiye, quantitative running score. Hona independent variable could be continuous or quantitative, or could be categorical, um, having two categories or more. इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैटेगोरिकल अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगरिकल आ जाए तो फिर हम लीनियर uh, रिग्रेशन या फिर रारिकल रिग्रेशन यूज़ नहीं कर सकते बल्कि फिर हम क्या करेंगे हम अदर टेक्निक विच इज़ नॉन पैरामेट्रिक हम उस पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाते हैं सो so, याद रखें लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑल्सो इज अ वेरी गुड टूल इन स्टिस्टिक्स वेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैटेगोरिकल तो फिर हम um, उसको लॉजिस्टिक uh, रिग्रेशन से सॉल्व uh, करते हैं बहुत सारी हमारी बिजनेस में सोशल स्टडीज़ में ऐसी एग्जांपल्स हैं जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस है जैसे फर्स्ट um, करें कि सक्सेस ऑफ़ फेलियर या फिर गुड एम्प्लॉय और बैड एम्प्लॉय पास और फेल मस इतने सारे क्राइटीरिया हैं देर आर टनस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड यू वॉन्ट टू सी विच इज़ सक्सेस तो फिर आप लॉजिस्टिक uh, रिग्रेशन पे मूव करते हैं तो दिस इज एन एग्जांपल और इसको हम डेटा को एसपीएसएस के अंदर फीड करेंगे एग्जाम्पन्स भी चेक करेंगे और फिर हम उसको एनालिसिस देखेंगे इसके अंदर भी हमने स्टेप बाय स्टेप सारी ट्यूटोरियल काइंड ऑफ वर्चुअल डाल दी है चीज़ें जो हम स्पेसिस में करेंगे लेकिन दिस इज एग्जाम्पल वेयर देर आर टू वेरिएबल्स वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज इनकम एंड देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ वेट

So find the linear regression. Does the regression account for significant portion of the variance? So हमने find out क्या करना है कि क्या आपका weight जो है वो आपके income के अंदर कोई variance explain कर रहा है कि नहीं कर रहा So 0.05 पे हमने check करना है Let's move on to SPSS and do it. ये डेटा मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है इसके अंदर वही डेटा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई है सो दीज आर द टेन पार्टिसिपेंट्स और इसमें हमारे पास वेट का वेरिएबल है जिसको हमने कैटेगोरिकली फाइव कैटेगरीज में कर लिया है और फिर हमारे पास इनकम का सो इनकम इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल इट इज़ कंटिन्यूस रनिंग स्कोर और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सो वी विल गो टू एनालाइज एंड देन वी विल गो टू जनरल लीनियर रिग्रेशन एंड देन वी विल गो टू लीनियर रिग्रेशन तो आप इसको याद रखें कि हमने लीनियर रिग्रेशन में जाना है ये सारे बाकी फंक्शन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर लेकिन फिलहाल वी विल स्टिको द लीनियर रिग्रेशन तो आप लीनियर रिग्रेशन में गए हैं तो आपके पास इस तरह की विंडो पॉपअप होती है uh, हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं बिकॉज इट्स अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमार डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इनकम है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वेट है इसको हम सेट कर देंगे ये यहाँ पे सारी टाइप्स दी हुई है जो मैंने आपको अभी बात की है एक एंटर मेथड है एक आपका स्टेप वाइज है रिमूव है बैकवर्ड है फॉरवर्ड है तो so, एंटर का मतलब है कि सिंपल आपका साइमल्टेनियस या फिर हरारिकल जब हम करेंगे जब नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो सिंपल रिग्रेशन के अंदर वी डोंट नीड टू गो नेक्स्ट क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है इसके अंदर स्टेटिस्टिक्स में हमने मॉडल फिट ऑलरेडी हुआ हुआ होता है आर स्क्वायर चेंज हमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हमारे पास हेरारिकल रिग्रेशन हो जहाँ पे हमने पहले एक ब्लॉक में वेरिएबल डाले हैं और फिर दूसरे में वहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें बताता है कि अगले जो आपने ब्लॉक में वेरिएबल डाले हैं वो कितना चेंज ले करके आ रहे हैं डिस्क्रिप्टिवस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको बहुत आइडिया हो जाता है कि ओवरऑल डेटा का क्या डिस्क्रिप्टिवज़ uh, है मीन स्टैंडर्ड एवियेन स्टैंडर्ड एरर मिनिमम मैक्सिमम डेटा में कितना है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कर लें वैसे ज़रूरी नहीं है अगर बूट स्टैपिंग करनी हो फिर ज़रूरी है पार्ट एंड पार्शल कोरिलेशन भी रहने दें कोल डायग्नोसिस भी क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं है तो हमें जरूरत नहीं है डबन वाटसन भी हमने कहा था कि हमारी ऑटो uh, कोरलेशन चेक करता ही हम कर सकते हैं डबन वाटसन क्योंकि वो हमें आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में रिजिजल वेरियंस की कंसिस्टेंसी बताता है सो so कंटिन्यू कर देंगे उसके बाद हमारे प्लॉट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लॉट्स हमारे ये प्लॉट आपका स्केटर प्लॉट जो बनाता है ये एरर या रिजिजुअल टर्म का प्लॉट बनाता है यानी आपकी डेटा में जो हमने बात की थी हेट्रोस होमोस के डास्टिसिटी की वो बेसिकली हम इसके साथ चेक कर सकते हैं सो जेड रजिजुअल हमारी आ जाएगी वाई पे और जेड प्रोडिक्ट हमारी आ जाएगी एक्स वेरिएबल के ऊपर तो आपका प्रोडिक्टड और रिजिजल इसके ऊपर आ जाएगा सो प्रोडिक्टड स्कोर है और फिर एरर टर्म है हमारे पास इसको आप इसमें कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉब्लिटी प्लॉट भी करें नॉर्मल प्रॉब्लिटी प्लॉट जो है वो हमें बताएगा कि जो हमारी नॉर्मेलिटी की जम्प्शन है जो हमने रिग्रेशन की जम्पन में बात की है वो इसके ऊपर मीट कर रही है कि नहीं कर रही सो यू विल कंटिन्यू उसके बाद सेव का मतलब है कि जो हमने बाय हैंड मैंने आपको दिखाया था कि हम प्रोडिक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं सो so हम हर एक्स के लिए प्रोडिक्टड वैल्यू निकालते हैं सो so अगर आपको अपनी प्रोडिक्टड वैल्यूज़ के लिए हर एक का कॉलम चाहिए मसलन अगर वेट फोर की कैटेगरी में है तो इनकम कितनी होगी तो तब आप इसमें सेव बटन दबा सकते हैं लेकिन अभी आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है ऑप्शनस के अंदर भी बाई डिफ़ॉल्ट इसमें आपकी प्रॉबिलिटी और वो कॉन्फिडेंस इंटरवल चेक हुए मैं यू डोंट नीड दैट यू डोंट नीड वोट स्टाफिंग ऑल्सो तो दिस इज अ सिंपल रिग्रेशन वेयर वी नीड जस्ट सम स्टेटिस्टिक्स प्लॉट एंड दैट्स इट और उसको हम ओके okay का बटन दबा देंगे और हमारे पास इसकी ये आउटपुट आ जाएगी तो हम अब अगले uh, इसको बाकायदा उस पावर um, पॉइंट के अंदर जाके आई विल एक्सप्लेन वन बाई वन ईच टेबल